तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीट कंडक्शन थ्रू प्लेन वॉल। इसको बुक में स्टेडी स्टेट वन डायमेंशन विदाउट हीट जनरेशन के टॉपिक से भी कहा जाता है। तो हम अभी हमने इसे पहले वाले लेक्चर में देखा था, जो हमारा हीट कंडक्शन इक्वेशन था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के केस में ये था। तो अब देखिए ये हेडिंग क्या है, यहाँ पे स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट का मतलब वो टाइम इनवेरिएंट है, मतलब टाइम का फंक्शन तो उसमें आएगा ही नहीं। तो ये वाले एक्सप्रेशन यहाँ पे टाइम में, तो टाइम स्टेडी स्टेट में टाइम वाला हट जाएगा, तो ये हट गया। अब वन डायमेंशन बोल रहा है, वन डायमेंशन मतलब ये एक ही एक्सिस के अलोंग मूव करेगी, मतलब ये एक्स एक्सिस के ही अलोंग क्या करेगा, मूव करेगा। तो वाई और जेड भी क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब देखो क्या बच गया यहाँ पे, विदाउट हीट जनरेशन। विदाउट हीट जनरेशन मतलब कोई भी इसमें हीट जनरेशन सोर्स नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, हीट जनरेशन भी क्या हो गया, इसमें कैंसल आउट हो गया। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो किसका फंक्शन है, सिर्फ एक्स का फंक्शन है। जो टेम्परेचर है वो एक्स एक्सिस के ही अलोंग फंक्शन है। तो इसमें देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। ये हमारा होता है स्टेडी स्टेट वन डायमेंशन हीट कंडक्शन इक्वेशन विदाउट हीट जनरेशन सोर्स। तो आप देखो इसको क्या करेंगे, हम दो बार इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हम इसको फर्स्ट बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन से क्या होगा, देखो पहले करके दिखाते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन से फर्स्ट बार डेरिवेटिव क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। डी बाय डी एक्स इसको लिख दिया, और डी टी बाय डी एक्स अगर इसको लिख दिया, तो ये क्या होगा, फर्स्ट वाले से क्या होगा, ये वाला इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा डी टी बाय डी एक्स आएगा, प्लस में हमको मालूम है कि इस तरफ क्या आ जाएगा, c1 आ जाएगा। उसके बाद अगर अगेन इंटीग्रेट करते हैं इसको, हम अगेन इंटीग्रेट, इसको हमने अगेन इंटीग्रेट किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको। तो ये वाला जो फंक्शन है dt टी बाई डी एक्स, ये फिर से कैंसिल आउट होगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट करता है। तो जो हमारा टेम्परेचर होगा, यहाँ पे c1 है, c1 है, और यहाँ पे dx आ जाएगा, x आएगा इधर, क्योंकि x का फंक्शन है ये, x प्लस, और जब भी इंटीग्रेशन में c2 आ जाएगा इधर, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमको मिलेगा t इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू। इसको देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो ये हमारा सेकंड डिफरेंशिएशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। तो अब हम इसके बाउंड्री कंडीशंस के बारे में देखते हैं, बाउंड्री कंडीशन क्या है। देखो बाउंड्री कंडीशन में देखो, पहले जब यहां पे x जीरो था, तो टेम्परेचर क्या था, T1, और जब हमारा x की वैल्यू L थी तो टेम्परेचर क्या है, जब यहां पे आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो x की वैल्यू L हो जाएगी, और यहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 आ जाएगा। तो हमारा ये दो बाउंड्री कंडीशन मिल गया, ये हमें कितने बाउंड्री कंडीशन मिल गए, दो बाउंड्री कंडीशन मिल गया। मैं इसको अब रफ कर देता हूं, ये मैं इसको रफ कर दिया, इसको मैं यहां लिख देता हूं, T इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस C2। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि पहले बाउंड्री अप्लाई, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे तो x जीरो है, x जीरो है तो क्या हो जाएगा, t किसके इक्वल आ जाएगा, t की वैल्यू यहां पे t1 पुट करेंगे तो c2 की वैल्यू क्या आ गई, t1 आ गया। अप्लाई सेकंड बाउंड्री कंडीशन, जब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा जो t है वो कितना आ जाएगा, t2 के इक्वल आ जाएगा। c1 क्या है हमारा, c1 की वैल्यू तो निकालनी है, और x किसके इक्वल है, l के इक्वल है, और जो c2 है वो किसके इक्वल है, t1 के इक्वल है। तो यहां से c1 की वैल्यू आ गई t2 माइनस t1 डिवाइड बाय l, तो ये हमारा c1 आ गया और ये हमारा c2 आ गया। तो c1 c2 हम अब क्या करेंगे, पुट करेंगे किसमें, पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है, यहां पे c1 की वैल्यू ये है हमारी t2 माइनस t1 अपॉन में l x प्लस c2 क्या है हमारा, t1 है। तो ये हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो हम इसके साथ क्या करेंगे, तो अब देखो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पे लिख देते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के अलोंग मूव कर रहा है ना ये, तो यहां पे इसको dt by dx आ जाएगा ये, और जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, t2 minus t1 divide by l, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन जीरो होता है। तो आप देखो dt ये हमारा क्या आ गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट आ गया, और फोरियर लॉ के अकॉर्डिंग क्या, तो अब इसको क्या करेंगे, k a लिख दिया हमने यहाँ पे, और dt की वैल्यू, और dt by dx की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, t2 minus t1 divide by l। तो यहां से हमारा जो क्या होता है कि किसकी इक्वेशन आएगी, ये x डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो
तो यहां से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, क्यू एक्स इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू, यहाँ माइनस का विषय आएगा ना, ओके सो टी टू, आप इसको टी वन माइनस टी टू लिख दिया तो माइनस हट जाएगा, तो ये आ गया हमारा एल अपॉन के ए, एल अपॉन के ए, ये हो गया हमारा ये वाला एक्सप्रेशन, आप देख सकते हैं आप इसको, अगर मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, अगर इसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से देखें तो ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, एल अपॉन के ए के, एल अपॉन के ए, ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस ही तो है, क्यू क्या होता है डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल, यही होता है, तो ये हमारा हो गया टी टू, ये हो गया हमारा टी वन, तो टेम्परेचर के केस में देख सकते हैं यहां पर ये हमारा लीनियर फंक्शन है, तो टेम्परेचर के केस में जो प्लेन वॉल के केस में जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा, लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो फाइनल हमारा जो नोट करने वाली बात है, विदाउट हीट जनरेशन के सोर्स में जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो कैसा आता है, लीनियर, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन आता है ये। तो दोस्तों देखते हैं अ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेन स्लैब, तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेन स्लैब बेसिकली हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करने वाले हैं इस टॉपिक में, सपोज अगर हम यहाँ पे इस सेक्शन पे अगर हमको टेम्परेचर निकालना है, देखो टेम्परेचर वेरी कर रहा है ना, यहाँ पे टी वन टेम्परेचर है या टी टू टेम्परेचर है, तो जो प्लेन स्लैब के केस में मैंने अभी बताया, तो जो प्लेन के लिए प्लेन स्लैब के केस में वो किस तरीके से जाएगा, लीनियरली डिक्रीज करेगा, लीनियरली कब डिक्रीज करेगा, जब हीट जनरेशन नहीं बोला गया है हमको, तब उसके वो वाला केस है ये, तो इसमें अगर हमको इस पॉइंट पर टेम्परेचर निकालना है तो वो किस तरीके से निकालेंगे आइए देखते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसा है, हमारा वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन, दूसरा कैसा है, स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट है, तो वन डायमेंशन में टेम्परेचर का फंक्शन क्या होता है, एक्स पे डिपेंड करता है सिर्फ, और जो फॉरियर फ्लो है वो क्या होता है, माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स, यहां पे अगर हम क्यू बाय ए देखा जाए तो के डी टी बाय डी एक्स हो गया ये, और q अपॉन a हो गया हमारा कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट हुआ ये, बिकॉज स्टेडी स्टेट बोला गया ना, स्टेडी स्टेट, इसका मतलब क्या है कि यहां पे हीट जो होगी वही यहां पे जितनी हीट एंटर कर रही है वो सारा का सारा स्टेडी स्टेट है, मतलब कुछ भी लॉसेस नहीं हो रहे, टाइम के साथ डिपेंड नहीं कर रहा, हीट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो सपोज देखो यहां पे q बाय a मैंने इसको ऐसे लिखा डी एक्स माइनस के डी टी, अब इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट, कहां से कहां तक, T1 से लेके T2 तक वैरी कर रहा है ये, और जो dx है वो 0 से लेके कहां तक वैरी कर रहा है, L तक वैरी कर रहा है, तो Q अपॉन A जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस के टी टू माइनस टी वन, ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन, तो इससे हमको क्या फाइंड मिला, देखो यहां पे जो Q बाय A है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं Q बाय A अपॉन एल के माइनस वाला जो एक्सप्रेशन है उसको अंदर ले जाओगे तो यहां पे क्या आएगा टी वन माइनस टी टू आएगा, ठीक है, तो इस वाले को नोट कर लिया, यहां पे एल मैं इधर लिख देता हूं, ये हमने इधर लिख दिया, ये इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको हम इक्वेशन दे देते हैं नाम वन, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया, इक्वेशन नंबर वन, अब इसको देखो अब हम एक जनरल केस ले लेते हैं, सपोज हमको इस पॉइंट पे अगर निकालना है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, सपोज ये एक्स दूरी पे है जीरो से, यहां इस वाले वॉल से कितने डिस्टेंस पे, ये एक्स डिस्टेंस पे, तो इस पे जो हीट फ्लो होगी वो सेम होगी, वो सेम क्यों होगी, बिकॉज स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट है ना, तो यहां पर जो हीट फ्लो होगी वो क्या होगा, सेम होगा क्यू बाय ए, बट यहां पर देखो ध्यान से देखो यहां पर डी एक्स था और यहां पर मैंने क्या लिखा था टी वन से, देखो टी वन से कहां थे, यहां पर कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, टी होगा यहां पर टेम्परेचर, तो T1 से हमने इसको T तक क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, T तक इंटीग्रेट कर दिया, और यहां पे जो एक्सप्रेशन था वो माइनस के डी टी था, ओके, और यहां पे dx, dx को कहां से कहां तक, जीरो से लेके x तक इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से लेके x तक इंटीग्रेट, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा क्यू ए बाय एक्स माइनस जीरो इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी वन, अब इसको देखो क्यू बाय ए लिख सकते हैं हम इसको, इसको हटा दीजिए, माइनस अगर अंदर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं टी वन माइनस टी, ये इस तरीके से हो गया, और यहां पे नीचे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, तो ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन,
ये हमारा था पहला इक्वेशन जो पूरे वॉल का था, अगर हमको किसी एक पॉइंट पे निकाला था वो हमने वो भी देख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो आप ध्यान से देखिएगा, क्यू अपॉन ए, ये बेसिकली हीट फ्लक्स होता है। तो देखो सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन में क्या चीज सेम है, जो हीट है वो हर जगह सेम है ना, जितनी गई उतनी बाहर आए, बीच में भी उतनी है, स्टेडी स्टेट है बिकॉज टाइम के साथ इनवेरिएंट है। तो क्यू अपॉन ए, अगर हम लिख सकते इसको 1 = 2 क्यू अपॉन ए की वैल्यू देखो सेम है दोनों में केस में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे के टी वन माइनस टी अपॉन में एक्स इज इक्वल टू के टी वन माइनस टी टू अपॉन में एल, एक्स के से के कट गया। तो हमारा जो फॉर्मूला आया है जनरल एक्सप्रेशन वाला वो आया है टी वन माइनस टी अपॉन में टी वन माइनस टी टू इक्वल टू एक्स अपॉन एल। ये है हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से नोट करिएगा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेन स्लैब। देखो इससे होगा क्या, बेसिकली ये एक प्लेन वॉल है और अगर हमको किसी भी पॉइंट पे इस वॉल के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हमको टेम्परेचर फाइंड करना है एक्स डिस्टेंस पे, तो यहां पे एक्स डिस्टेंस डालेंगे, टी वन टी टू हमको पता होगा और हमारा टेम्परेचर आ जाएगा जिस पॉइंट पे भी हमको निकालना है। तो ये हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें देख सकते हैं किसी की पावर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सबकी पावर यहाँ पे कैसी है, 1 है। तो ये लीनियर फंक्शन है, जो हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस केसेस में क्या होगा, लीनियर होगा, लीनियरली टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिख दिए कॉन्क्लूजन जो है हमारा, कॉन्क्लूजन जो है यहाँ पे, कॉन्क्लूजन क्या मिला है, कॉन्क्लूजन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा है, लीनियर प्रोफाइल ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए दोस्तों अब हम कुछ केसेस देख लेते हैं जो अभी हमने प्लेन स्लैब के, वो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया, एक स्लैब के ऊपर दूसरा स्लैब रखा हुआ है, तो ये देखो अगर इसको इलेक्ट्रिकली ये सर्किट से कंपेयर करोगे तो वो पैरेलल वाला रेजिस्टेंस वाला जो केस बनता था उसी तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आर वन और आर टू इस तरीके से लिखना है पैरेलल वाला, और पैरेलल में हमको पता है कि जो हीट होता है वो डिफरेंट होगा, जैसे करंट पैरेलल में क्या होगा, करंट यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो करंट ही बेसिकली हीट होता है हीट चैप्टर में। तो Q क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे Q1 एंटर करेगा, यहाँ पे Q2 एंटर करेगा, बट स्टेडी स्टेट है तो वापस से Q निकलेगा। तो अब पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा इन दोनों रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को टेम्परेचर डिफरेंस कहा जाता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा इसकी केस में, इसके केस में। तो अब देखो यहाँ से अगर Q हीट फ्लो होगा तो Q1 इधर जाएगा, Q2 इधर जाएगा, तो Q को हम लिख सकते हैं Q1 plus Q2 है ना, ये लिख सकते हैं ना। और उसके बाद जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन अगर हम फाइनल देखा जाए तो Q क्या आ जाएगा, T1 minus T2 divided by R। R क्या होगा पैरेलल के केस में, अब ये बताइए पैरेलल के केस में जो R होता है वो क्या होता है, R देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं R जो होता है पैरेलल के केस में वो इस तरीके से लिखते हैं, 1 upon R upon 1 upon R1 plus 1 upon R2। तो आप ये बस ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए, R1 हमने देखा था किस तरीके से आया था पहले वाली क्लासेस में, तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये R1 1 upon ये हो जाएगा K1 upon A L plus आ जाएगा K2 A upon L। एरिया हमको कौन सा लेना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केसेस में, जो एरिया होगा हमारा वो हमेशा परपेंडिकुलर ये वाला एरिया होगा, ये एरिया बेसिकली होगा यहाँ पे, इसी कुछ नहीं यहाँ पे एरिया डिफरेंट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एरिया हीट अलग है, तो यहाँ पे एरिया ए वन ले लेते हैं, यहाँ पे एरिया ए टू ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए वन और ए टू आ जाएगा, ए वन और ए टू चेंज कर दो। तो ये हो गया, अब ये वाला केसेस देखो, इस वाले केसेस में क्या होगा, लेंथ अलग अलग है, लेंथ सेम है ना इस वाले केसेस में, एरिया अलग अलग है क्योंकि ये हाफ पोर्शन है ना, आधा अलग है आधा अलग है, आधा एरिया अलग है आधा एरिया अलग है, तो इसलिए इस केसेस में A1 A2 है। आप इस केस में क्या एरिया सेम लिया हुआ है, इस तरीके से सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में इस तरीके से होगा, और हमें पता है सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता था। अगर मैं इसको मिटो दूं तो ये देखिए, तो जो Q होता है वो क्या होता है, डेल्टा टी अपॉन R टोटल होता है ना, R टोटल ये कह लो, R इक्विवेलेंट कह लो, R थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, दोनों कुछ भी कह सकते हैं इसको। जो डेल्टा टी है वो क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पे टेम्परेचर होगा टी वन, यहाँ पे कितना होगा टी टू, यहाँ पे कितना होगा टी थ्री, यहाँ पे कितना होगा टी फोर, ये इस तरीके से डिक्रीज कर रहा है,
लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी बताया था मैंने आपको, तो ये यहाँ पे हम डेंसिटी कैसे लिखना है वो देख लीजिए, टी वन से टी फोर, टी वन माइनस टी फोर ताकि माइनस में कंफ्यूजन ना हो आपको, और आर थर्मल कैसे आएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू देखो यहाँ पे सेम है, एरिया सेम होगा ना सब प्लेट का, क्योंकि ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे लेंथ डिफरेंट होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं एल वन अपॉन के वन अपॉन ए, एल टू अपॉन के टू अपॉन ए, प्लस एल थ्री अपॉन के थ्री अपॉन ए, तो ये आ गया आपका हीट का फॉर्मूला। ये देखो हीट हमने किस तरीके से लिया, अगर आपको हीट इन दोनों के बीच में निकालनी होती तो कैसे निकालते, सिंपल है इसका, यहाँ पे क्यू लिखते टी वन माइनस टी टू लिखते, और यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे एल वन अपॉन ए वन आ जाता है, तो ये हीट किसका हो गया, अगर हमको इतना पूछा तो जितना भी हम किसी भी एलिमेंट से पूछा तो हमको बस यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करनी है, टी टू माइनस टी थ्री, और एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा। तो ये था बच्चों, तो आइए दोस्तों देखते हैं मल्टी लेयर वॉल विद कन्वेक्शन, मतलब जब कन्वेक्शन रोल में आ जाए, और ये जब मल्टी लेयर है, देखो ये दोनों किस कैसे कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट है, और ये आपस में कैसा सीरीज में है, तो अब कन्वेक्शन है तो मतलब यहाँ पे कुछ फ्लूइड मीडियम है, तो यहाँ पे हम सपोज एज्यूम कर लेते हैं जो टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड मीडियम है वो है टी एफ वन, और यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड मीडियम है वो है एफ टू। अब यहाँ पे जो कन्वेक्टिव कोफिशियंट है, अब पता है कन्वेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एच वन आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच टू आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे कंडक्टिविटी है उसी तरीके से यहाँ पे हीट ट्रांसफर कोफिशियंट होता है। यहाँ पे टेम्परेचर एज्यूम कर लेते हैं हम टी वन, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं टी टू, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं टी थ्री, और यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं टी फोर। याद रखिएगा कि ये वॉल का टेम्परेचर और फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, अलग नहीं होगा। तो आप देखिए अब क्या करना है, इसके अंदर बेसिकली हम इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अगर हम इसका लेंथ है, अगर लेंथ देख रहे तो इसको एल ए नाम दे देते हैं, इसको एल बी नाम दे देते हैं, इसको एल सी नाम देंगे, और एरिया हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे। एरिया देखो सीरीज में तो ये पूरा सेम होगा, बस इन दोनों के केसेस में क्या होगा, एरिया अलग अलग हमको लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, पहले कौन रेजिस्टेंस लाएगा, पहले देखो पहले कन्वेक्शन हो रहा है, तो पहले जो रेजिस्टेंस होगा वो कन्वेक्शन की वजह से होगा, फिर उसके बाद कंडक्शन की वजह से होगा, इसको हम देखो आर वन नाम दे देते हैं, इसको हम आर ए नाम दे देते हैं। अब जो होगा देखो आर ए के बाद देखो दोनों कैसे हैं पैरेलली करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये पैरेलल कनेक्शन हमने बना दिया, इसको हम नाम देते हैं आर बी, इसको नाम दे देते हैं हम आर सी। अब जो ये वाला हो गया हमारा वो है आर डी, आर डी के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे आर टू नाम दे देते हैं जो बाहर वाला कन्वेक्शन, ये था हमारा इस पर मल्टी लेयर वॉल विद कन्वेक्शन। अब इसमें क्या है कि अब हीट अगर हमको हीट ट्रांसफर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो देखते हैं, उसको मैं रफ कर देता हूँ, ये सर्किट भी रफ हो गया, तो एक बार देखते हैं जो हीट का जो वैल्यू होगा वो किस तरीके से लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड मीडियम माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड टू अपॉन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आर वन था, फिर कैसा था ये सीरीज में था आर ए, प्लस यहाँ पे क्या होगा पैरेलल में क्या होता है आर बी आर सी, ऐसे लिख देते हैं आर बी प्लस आर सी, और इसके केस में क्या होगा आर डी प्लस आर टू, ये कन्वेक्शन कोएफिशिएंट वाला है, एक दो तीन चार पांच और एक छह, ये हमारा है नेट। अगर हमको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना है इस पूरे में, जो क्यू की वैल्यू है वो सेम है, बिकॉज ये स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट विद नो हीट जनरेशन सोर्स। तो आइए देखते हैं लेक्चर खत्म करने से पहले ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ये भी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले देखेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होता है, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये बेसिकली क्या होता है ये होता है जो कंडक्टिविटी है, जो नेट इक्विवेलेंट जो हमारी कंडक्टिविटी थी उसको हटा के हमने क्या लिख दिया यू लिख दिया। तो अभी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने जो 1 बाय आर था वो कैसे लिखा था हमने 1 बाय आर वन प्लस 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी 1 अपॉन आर सी प्लस 1 अपॉन आर टू कुछ इस तरीके से लिखा था। तो इतने सारे एक्सप्रेशन को उठा के हम क्या कर देंगे एक सिंगल नाम दे देंगे 1 अपॉन यू नाम दे देंगे। तो ये जो और हमने याद रखना है कि जो 1 अपॉन यू होगा ये बेसिकली देखो क्या होगा 1 अपॉन एल अपॉन के प्लस एल अपॉन के, यहाँ पे अगर देखो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट अगर यहाँ पे एच है यहाँ पे के हो गया कंडक्टिविटी एल अपॉन के बी हो गया अपॉन एच अपॉन एल अपॉन एच हो गया। तो इसमें एरिया वाले टर्म्स नहीं लिखा हुआ है हीट ट्रांसफर, इस वाले क्वेश्चन में एरिया वाला टर्म नहीं है, एरिया हमने ऊपर उठा के साइड में लिख दिया है। तो क्यू अपॉन एरिया किसके ऊपर हो गया डेल्टा टी अपॉन
वन अपॉन यू के, तो इसको सॉल्व कर लेगा. तो ये हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कंक्लूजन. इट इज अ पैरामीटर विच टेकन इन टू अकाउंट ऑल द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन अ सिंगल एंटिटी. मतलब पूरे जो ये इक्वेशन है, इतनी बड़ी सी इक्वेशन, इसको उठा के हमने क्या कर दिया, एक सिंगल एंट्री के बीच में नाम दे दिया है. और इसकी यूनिट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है. अब ध्यान से देखिए, जो इसकी यूनिट है ना, वो सेम है इसके. इट्स यूनिट इज सेम एज लाइक हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट. हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट याद है, एच होता था, क्यू इज इक्वल टू एच ए डी टी. क्यू एच ए डी टी, देखो यहाँ पे सेम चीज है, एच यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये हमारा है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट. और ये देखो सेम ही है एक तरीके से, सेम इसकी यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है. एक और कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते हैं, वो हीट फ्लक्स क्या होता है बेसिकली. तो हीट फ्लक्स भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. हीट फ्लक्स क्या है, हीट फ्लक्स को हम रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया, दिए हुए एरिया में कितना रेट से हीट जा रहा है वो बेसिकली हीट फ्लक्स होता है. और इसकी यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है हीट फ्लक्स. ठीक है, तो अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल किस तरीके से करना है, ये अगले लेक्चर में.